हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज से हमारा ये वीडियो का सिलसिला शुरू होगा। आज का जो मैंने पहला वीडियो चूज किया है वो है ब्रह्मांड। हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफी के वर्ल्ड पोर्शन के कुछ वीडियोस जो काफी इम्पोर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको शुरू करते हैं, ठीक है। और उससे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने दिनों तक आपने हमारे जा के या हमसे जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है ब्रह्मांड। सबसे पहले ये क्या है? तो ये जो हमारा ब्रह्मांड है, यह वास्तव में एक ऐसी संरचना है जिसमें ढेर सारी गैलेक्सियां हैं। इन गैलेक्सियों के एक समूह को ब्रह्मांड के रूप में जाना जाता है। ये गैलेक्सियों का एक अनंत विशाल समूह है जो ओवरऑल क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है, ठीक है। और इस ब्रह्मांड के संबंध में कि ये ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे बना, इसके संबंध में अलग अलग विचारधाराएं फेमस रही हैं। अलग अलग विद्वानों ने इसके संबंध में विचार दिया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट विचार है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। यह है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था, और यह सिद्धांत उन्होंने 1894 या 96 के आसपास में इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत को बाद में रॉबर्ट वेगनर ने और प्रसारित किया और 1967 में इसे दृढ़ता के साथ लागू कर दिया। तो वर्तमान में जो आधुनिक तौर पे जो ये पूरे ब्रह्मांड के निर्माण के संबंध में जो सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो यही सिद्धांत है, बिग बैंग सिद्धांत, जो कि प्रारंभ में जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा दिया गया था, बाद में इसे सपोर्ट किया गया रॉबर्ट वेगनर द्वारा। अब आइए इससे जुड़े हुए कहां से हमको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ब्रह्मांड में क्या है? असंख्य गैलेक्सी है, ठीक है। असंख्य गैलेक्सी का मतलब यहां पे लगभग 1000 अरब ब्रह्मांड में गैलेक्सी मौजूद है, और इन गैलेक्सियों में लगभग 100 करोड़ से अधिक तारे मौजूद है प्रत्येक गैलेक्सी में। तो सोच सकते हैं कि हमारा ये ब्रह्मांड कितना विशाल है और कितने सारे असंख्य तारे इस पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। अब क्वेश्चन कहां से आता है? इन गैलेक्सियों में जो 1000 अरब से अधिक गैलेक्सियां हैं, उसमें से एक गैलेक्सी है स्पेशली हम लोगों को वो पढ़ना है, जिसका नाम है आकाश गंगा। इसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। इस आकाशगंगा या दुग्ध मेखला या मिल्की वे को हम लोग स्पेशली इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम जिस सौर मंडल के सदस्य हैं, यानी पृथ्वी हमारा जिस सौर मंडल का सदस्य है, वह इसी का पार्ट है। ऐसे तो इस गैलेक्सी के आकार अलग अलग होते हैं, कहीं गोलाकार, कहीं सर्पिलाकार, कहीं लंबा, लेकिन एक क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि हम जिस आकाशगंगा यानी गैलेक्सी में रहते हैं उसका आकार कैसा है, तो ये थोड़ा सा लंबा सर्पिलाकार है, ठीक है। इसके एग्जाम में ऑप्शन आते हैं स्पाइरल है, यानी सर्पिलाकार आकार में ये मौजूद है। चलिए इसे आगे के क्वेश्चन में आते हैं जहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने सबसे पहले देखा कि ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर अनेक जो है गैलेक्सी है, और उस गैलेक्सी के अंदर हमारा गैलेक्सी है जिसे हम लोग मिल्की वे, दुग्ध मेखला या आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। यह जो गैलेक्सी है, इसी गैलेक्सी का एक प्रमुख सदस्य जो है या अंदर का एक तारा है जिसको हम लोग सूर्य के नाम से जाने जाते हैं, और इसी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह जिसमें से एक पृथ्वी है और उसके हम वासी है। तो पूरा यह सर्किल याद होना चाहिए आपको। सबसे बड़े रूप में यह ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अनेक सदस्यों में से गैलेक्सी है, गैलेक्सी में से हमारा जो गैलेक्सी है वो दुग्ध मेखला ये मिल्की वे है, और उसका एक तारा क्या है? सूर्य है, जो हमारे सौर मंडल का केंद्र है। अगला चैप्टर हम लोग सौर मंडल पढ़ेंगे तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। अब आइए इसमें समझते हैं कि ये जो तारे हैं, जो असंख्य तारों से मिलकर के ये गैलेक्सी बनते हैं, ये तारों का निर्माण कैसे होता है और इस तारों से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि तारे बनते कैसे हैं। तो विभिन्न प्रकार के गैस धूल कण मिल करके ये तारों का निर्माण करते हैं।
यह एक गैसीय गोला होते हैं और ये गैसीय गोले का जो निर्माण होता है इस तारे का, तो इससे जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट आपको याद रखना है कि आखिर तारे में अपना प्रकाश कहाँ से आता है। ये जो तारे का प्रकाश होता है यह नाभिकीय संलयन, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि तारे में प्रकाश के यानी ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। सभी तारों में मुख्य रूप से दो गैस होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन की मात्रा अधिकतर में अधिक होती है और हीलियम की मात्रा कम होती है। सूर्य में भी यही कंडीशन है, सूर्य भी एक तारा है और यहां भी हाइड्रोजन की मात्रा अधिक है और हीलियम की मात्रा कम है। अब ये ऊर्जा कैसे प्रकाशित करते हैं, तो नाभिकीय संलयन में क्या होते हैं कि दो छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और उसी क्रम में ऊर्जा मुक्त करते हैं। आइए उसे समझते हैं। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ करके हीलियम का निर्माण करते हैं और साथ ही में ऊर्जा मुक्त करते हैं। एज ए एग्जाम्पल इस तरह के से हम लोग समझ सकते हैं कि ये दो हाइड्रोजन है जो मिलकर के एक हीलियम का निर्माण कर रहे हैं और साथ ही ऊर्जा मुक्त कर रहे हैं और इसी ऊर्जा के कारण पूरे सूर्य में प्रकाश होता है, यानी सभी तारों में जो प्रकाश आता है यह वास्तव में इसी हीलियम के कारण आता है। अब आइए इससे थोड़े आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हमने समझा कि कैसे ये ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक यह हाइड्रोजन पूरी तरह से हीलियम में न बदल जाए। अब सोचते हैं कि अगर संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यह होगा कि इसके ऊर्जा निर्माण की क्षमता कम हो जाएगी। अब यह तारा जो चमकीला था, लाइट दे रहा था, अब यह लाल पड़ने लगेगा, यानी इसका कलर डाउन होने लगेगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारे का कलर किसको सूचित करता है, दूरी को या टेम्परेचर को। हमेशा आपको याद रखना है टेम्परेचर को यानी ताप को सूचित करता है। अर्थात इस तारे का कलर अगर नीला होगा यानी ब्लू कलर का ये होगा तो यह सबसे अधिक टेम्परेचर उस समय दे रहा होगा और जिस समय लाल हो जाएगा उस समय सबसे कम ताप होगा। ये दो क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, जब तारे का कलर नीला होगा वो सर्वाधिक टेम्परेचर दे रहा होगा, जब लाल हो जाएगा तो वो सबसे कम दे रहा होगा। तो यानी जब ये हाइड्रोजन ऊर्जा देना बंद करते हैं तो ये हीलियम बनना बंद हो जाता है, यह पूरी तरह से हीलियम में कन्वर्ट हो चुके हैं। नतीजा ये होता है कि ये तारे लाल कलर के हो जाते हैं और प्रकाश देना बंद करने लगते हैं। इस घटना को लाल दानव या रेड जाइंट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि तारे जब मृत होने लगते हैं तो कैसे रूप में आ जाते हैं, तो रेड जाइंट या लाल दानव के रूप में। अब ये तारे मरने की स्थिति में यानी मृत होने वाले हैं, ऐसे कंडीशन में इन तारों में एक विस्फोट होता है जिसको सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं, इसे हम लोग अभिनव तारा के रूप में भी जानते हैं। इसे हम लोग अभिनव तारा के नाम से भी जानते हैं। इस सुपरनोवा विस्फोट के संबंध में कुछ क्वेश्चन बहुत ही यूनिक पूछे जाते हैं। जब ये बड़े तारे होते हैं, अगर ये तारे का साइज बड़ा है तो सुपरनोवा विस्फोट के पास एक खाली जगह बनता है। इस खाली जगह से ना तो प्रकाश गुजर सकते हैं और ना ही कोई अन्य, इसलिए इसे ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र, ठीक है, ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। और जब छोटे रूप में बनते हैं तो न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं और इन्हें पल्सर स्टार भी कहा जाता है, जो कि काफी तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। ये भी काफी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि पल्सर स्टार या न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है। तो जब ये तारे अपने मृत अवस्था में विस्फोट करते हैं उसके बाद ये निर्माण होते हैं और ये काफी तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। अब इससे जुड़े हुए कुछ और पॉइंट समझते हैं कि ये जो तारा जब विस्फोट होता है अपने लास्ट अवस्था में पहुंचता है तो ब्लैक होल की जो ये स्थिति बनती है इसको सबसे पहले 1930 में एस चंद्रशेखर ने बताया और यह भारतीय वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1930 में बताया। अब देखिए ये डेट्स कैसे याद करते हैं हम लोग, कई बार डेट को याद करने में कठिनाई होती है, हम लोग भूल जाते हैं, मिसमाइंड होते हैं। तो एक डेट को दूसरे डेट से जोड़ेंगे, इसको बोलते हैं चेन मेमोरी, चेन मेमोरी का यूज करेंगे। जैसे हम 1930 में जानते हैं कि सीवी रमन को
भौतिकी के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया। तो याद कर लेंगे, एक तरफ उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, दूसरी तरफ एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की घटना के बारे में जानकारी दी। फिर 1935 में उन्होंने लंदन में इसे प्रसारित किया और बाद में जाकर के 1983 में, अब यहां कैसे याद करेंगे कि जिस वर्ष कपिल देव ने भारत को पहली बार वर्ल्ड कप दिलाया उसी साल चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, 1983 में उनको यह ब्लैक होल के बारे में बताने के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, तो ब्रह्मांड से जुड़ी हुई कई चीजें हम लोगों ने देखी। एक तो हमने गैलेक्सी देखा, एक दुग्ध मेखला यानी हमारे जो अपना जो गैलेक्सी है उसको देखा, फिर तारों के निर्माण और तारों के विस्फोट के संबंध में हमने जाना। अब आ जाते हैं उससे एक कदम आगे। क्या होता है जब हम अपने आकाश में देखते हैं, कुछ तारों के समूह होते हैं जो हमेशा एक ही समान दिखाई देते हैं। जैसे इस समूह को सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक उत्तरी ध्रुव के सामने जिसे हम लोग ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। इन तारों के समूह को हम लोग तारामंडल के नाम से जानते हैं। इन तारामंडलों की संख्या हमारे आकाशगंगा में 88 है। इन तारामंडलों की संख्या 88 है। इन्हीं 88 तारामंडल से जुड़े हुए हैं ये सप्तऋषि, ध्रुव तारा इत्यादि। ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं कि तारामंडलों की संख्या कितनी है। अब देखिए, यहाँ किसी किसी बुक में आपको 89 भी मिल जाएगा, लेकिन रिसेंट जो बुक पब्लिश हुई है या फिर आप नेट पे आप देखेंगे तो आपको मैक्सिमम 88 मिल रहा है। तो हम इसे मारेंगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तब हम लोग 89 को चूज कर सकते हैं। तो ब्रह्मांड के संबंध में हमारा एक सिंपल सा थ्योरी रहा कि महाविस्फोट सिद्धांत इसके सबसे पॉपुलर सिद्धांत में से आते हैं। इसके अलावा ज्वारीय सिद्धांत वगैरह भी हैं, लेकिन हम लोग इसको सबसे ज्यादा प्रमुखता से देखते हैं क्योंकि ये आधुनिक विचारधारा है जो कि जॉर्ज लेवेंटेयर के द्वारा दिया गया। फिर हमने देखा कि वेगनर महोदय ने 1967 में इसे सपोर्ट किया। फिर ब्रह्मांड क्या है, फिर गैलेक्सी क्या है, फिर गैलेक्सी कितने हैं, और उस गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी जो हमारा सबसे फेवरेट क्योंकि हम उसी गैलेक्सी के पार्ट हैं, तो वो कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है हमारा आकाशगंगा या दुग्ध मेखला। इस दुग्ध मेखला आकाशगंगा का आकार कैसा है, सर्पिला है। फिर इनमें जो असंख्य तारे मौजूद हैं उन तारों में ये प्रकाश कहां से आता है, तो ये चीजें हमने सीखी आज। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप किसी बुक से ब्रह्मांड से जुड़े हुए चैप्टर के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिएगा। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करने के सफल होंगे और यही हमारा उद्देश्य है कि आप थोड़ा सा पढ़ें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स बनाएं और आप अपने आप में महसूस करें कि हम सीख रहे हैं। और अगर ये आप महसूस कर पाते हैं तो हमारा लक्ष्य सफल होगा। चलिए, धन्यवाद। इसी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो सौर मंडल के साथ।